आपको मेरे लिए स्टूपिड सी लड़की मिली थी। अशर, उम्र के साथ साथ आती है मैच्योरिटी। तस्वीरों में अच्छी खासी मैच्योर लग रही थी वो। अच्छा बेटा, तस्वीर देखते साथ तो झट से हाँ कर दी थी तुमने। तो मुझे क्या मालूम था कि पिक्चर्स में वो प्यारी सी लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ निकलेगी। देखा नहीं आपने बाहर किस तरह बंदरों की तरह नाच रही थी वो। अशर, लड़कियों को जिस सांचे में ढालो ढल जाती हैं। तुम अपना दिल बुरा मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र। माजरत चाहती हूँ, मैं असल में नमाज में मसरूफ थी, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए जो बिन बताए आ गई। अरे नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है। असल में बहन टेलर के पास जाना था तो ख्याल आया कि मीनू का नाप ही नहीं है हमारे पास, बस इसी मजबूरी के लिए आए हैं। हाँ, वो असल में हमारे घर में भी शादियों की जो तैयारियां हैं ना, पूरे जोरों शोर पे चल रही हैं। बेबे और कनीज इसी सिलसिले में बाजार गई हुई हैं। सही कह रही हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं शादी में, और अभी तो आपकी छोटी सास एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी की डेट मांग रही थी। जी, उन्हें भी बहुत शौक है फाजी की शादी का। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं मीनू का सूट ला के देती हूँ आपको। हाँ जरूर। चाय ठंडा? नहीं नहीं नहीं, बस जल्दी है ज़रा। अशर, कैसी शक्ल बनाकर बैठे हो, बुरा लगता है बेटा। क्या करूं मैं, और मुझे मायूसी हो रही है। बेटा, हमारे घर आकर सेट हो जाएगी, तुम अपना दिल बुरा मत करो। सेट हो जाएगी? मुझे लगता है हमारे घर आने के बाद ना हम सब का दिमाग सेट कर देगी वो। अशर, अच्छा मैं ठीक है। ऐसे काफी सुथरी हो गई है इसके साथ। इनकार तो नहीं कर देंगे वो लोग शादी से? चुप कर जाओ सुरमा रानी। वैसे उस दिन तो बड़ा नाच रही थी, ऐसे 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 ऐसे। देखिए, होश के ना तुम लोग। मीनू, तुम्हारी सास कब से नीचे आए बैठी है? वो सास कम और छापा मार टीम में ज्यादा लग रही है। उनके बेटे को देखा कैसा मुंह फुला के बैठा हुआ है। हालांकि तुम जैसी चीजों को ना बच्चे चिड़ियाघर में देख के बहुत खुश होते हैं। वलीद, जबान संभाल के बात करो। अमीनू, अपने कोई ढंग का सूट निकाल के दो। अम्मी रहने दे, लड़के का कोई इरादा नहीं लग रहा, शाम तक का इंतजार कर लेते हैं, कोई ना कोई इतला आ जाएगी। तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते और तुम अपना सूट ही निकाल के दोगी? मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन इसका मंगेतर नहीं रखेगा। बड़ा नीला पीला होकर गुस्से से घूर रहा था इसको। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है उसकी। ये ले। ये क्या, घिसा पिटा घी के दागों वाला? कोई नया सूट नहीं है तुम्हारे पास? भाई, मेरा नया सूट अगर उन्होंने गुम कर दिया तो। मीनू, तो गिनती के दो तीन जोड़े हैं मेरे पास, वो भी अब्बा की कंजूसी की वजह से। खैर, उनको कहिएगा घुमाए नहीं मेरा जोड़ा। नहीं घुमाएंगे। भिंडी, अभी भी वक्त है, सच कह रहा हूँ। अपनी किताबों पे से मिट्टी झड़वा लो, नए कवर चढ़वा लो। लड़के के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। खतरे की घंटी ना मेरे दिमाग में बज रही है। फोन करके सॉरी कर लो ना दूल्हा भाई से।